जहां पर यह बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। आगे की रणनीति पर इस बैठक में INDIA की तरफ से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और अब इस ही बैठक में INDIA के तमाम नेताओं की मौजूदगी, दिल्ली में यह बैठक इस वक्त चलती हुई। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में चर्चा में क्या क्या शामिल रहा, क्योंकि ये माना जा रहा है और जब भी INDIA के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे विषय हैं, आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, क्या हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्या हम अपने आप को दावेदार सरकार के तौर पर मानते हैं, हमारे पास क्या वो फिगर है, किस रूप में है, ये तमाम चीजें, नीतीश कुमार को लेकर के भी क्या स्थिति होगी, इस पर चर्चा इसी बैठक में होगी। क्योंकि INDIA यानी कि सभी सहयोगी दलों का जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में सबकी सहमति बहुत जरूरी है, सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है और यही सुनिश्चित इस बैठक में किया जाएगा कि आखिर आगे करना क्या है, किस रूप में करना है। हालांकि एक स्वर ये भी कि भाई विपक्ष और मजबूत विपक्ष के तौर पर जब हमें यह संख्या बल मिला है तो हमें यही भूमिका अदा करनी चाहिए, तो क्या इस दिशा में INDIA आगे बढ़ेगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि ये बैठक शुरू हो चुकी है, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त खड़गे की आवाज पर INDIA के नेताओं की मौजूदगी, ये जो बैठक इस वक्त चल रही है। और अगर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इसमें मौजूद हैं, कल्पना सोरेन जिन्होंने जीत हासिल की है वो मौजूद हैं, बिहार से तेजस्वी यादव की मौजूदगी है जो इस INDIA की बैठक में मौजूद हैं, तो इंडी गठबंधन की बैठक इस वक्त भी चलती हुई। हमारे संवाददाता शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी तेजी से खबरें ये भी कि भाई 7 जून की तारीख जब सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भी मिला है NDA को, क्या इस तरह की भी कोई चर्चा, कोई जानकारी, कोई पुष्टि? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है और इस बात को कांग्रेस थिंक टैंक के जो जानकार हैं, इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं, वो बखूबी समझते थे कि परिणाम जिस तरीके के बाद आए उसके बाद स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इन सब चीजों में जल्दबाजी करेगी और वही हुआ। NDA की पहले बैठक बुलाई गई, सबसे समर्थन पत्र ले लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिया, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया और अब लगातार बात हो रही है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी को ही NDA का नेता चुना गया है, जल्दी वो सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। इस बात को बखूबी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन समझता था, यही एक वजह है कि कल ही बैकडोर से बातचीत का दौर शुरू हो गया था, आज भी इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है, लगभग 10 से 15 मिनट का समय बीत गया है। बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस बखूबी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, वो हर दल इंडिया अलायंस का, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो, आम आदमी पार्टी हो, इससे CM स्टालिन हो तमिलनाडु से, अभिषेक बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हो, ये तमाम नेता हैं, सब चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में हो ताकि भविष्य में भी ये गठबंधन आगे कंटिन्यू करता रहे। आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और भी कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में इंडिया गठबंधन ये विशेष ध्यान रख रहा है कि तत्कालिक लाभ से बेहतर है कि दीर्घकालिक सोच की जाए। हालांकि इंडिया अलायंस में भी कई ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि इंडिया अलायंस को जो मैंडेट मिला है